दोस्तों, क्वारंटाइन खत्म होने के बाद आरिफ अपने दोस्त सारस से मिलने कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे। तकरीबन एक महीने बाद आरिफ और सारस की मुलाकात हुई। पिंजरे में कैद सारस ने जैसे ही आरिफ को देखा, खुशी से झूम उठा, नाचने और उछलने कूदने लगा। आरिफ से दूर जाने के बाद से सारस ने खाना पीना और मस्ती सब कुछ बंद कर दिया था। आज वन विभाग के अधिकारी और मीडिया कर्मी हैरान रह गए। सारस आज आरिफ को देखकर उछलने और कूदने लगा, खुशी से झूम उठा। शायद उसे ऐसा लगा हो, मेरा दोस्त आरिफ मुझे ले जाने आया होगा, मुझे इस पिंजरे से आजाद करेगा। दोस्तों, ये नजारा देख वहां खड़े सभी अधिकारी और मीडिया कर्मी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, जैसे ही आरिफ और सारस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इंटरनेट यूजर से लेकर बड़े बड़े लोग भावुक हो गए और जमकर योगी सरकार और वन विभाग को खड़ी खोटी सुनाने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि वन विभाग ने आरिफ को सारस अपने पास रखने के जुर्म में नोटिस थमा दी थी, जिसे लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने काफी बवाल खड़ा किया था। लेकिन दोस्तों, अब अखिलेश यादव, वरुण गांधी के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी सारस आरिफ का वीडियो देख भावुक हो गई और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कानपुर चिड़ियाघर का आरिफ और सारस की मुलाकात का वीडियो शेयर कर ट्वीट किया कि एक पंछी खुले आकाश में रहना पसंद करता है, लेकिन उसकी आज़ादी छीन ली गई। सरकार की एक ऐसी संवेदनहीनता है कि एक सारस को न सिर्फ उसकी रक्षा करने वाले से दूर कर दिया गया, बल्कि उससे खुला आसमान भी छीन लिया गया। दोस्तों, अब यह देखना होगा कि क्या वन विभाग सारस को आरिफ के हवाले करता है या फिर सारस कानपुर चिड़ियाघर में ही कैद रहेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, उछल दिखाओ। हाँ, दौड़ पीछे जाओ। हाँ, दौड़ के। हाँ 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 हाँ, ऐसे जाओ, वहाँ दूर तक जाओ, पीछे आखिर तक जाओ, आखिर तक। हाँ, दौड़ के चलिए, ठीक रहिए, आते हैं 2-3 दिन में, फिर चलेंगे, हो जाएगी एकदम से। क्या कई दिन बाद देखा ना उसने, वो हाइपर एक्साइटेड। बाय बाय, जा रहे हैं, आएंगे फिर बहुत जल्दी।